आपका दुबई वाला राजा, आज आपको रिव्यू दे रहा हूं आज ही के दिन रिलीज हुई नई फिल्म केदारनाथ का। केदारनाथ फिल्म के प्रोड्यूसर है रोनी स्क्रूवाला और इसके डायरेक्टर हैं अभिषेक कपूर और इसको लिखा भी अभिषेक कपूर और कनिका ढिल्लन ने है। इसके मुख्य कलाकार हैं सुशांत सिंह राजपूत। अरे बात हमारी आपकी नहीं है, ये पूरे केदारनाथ की बात है। और सारा अली खान। तेरी माँ की क्या कहा आरती? दोस्तों केदारनाथ की फिल्म की कहानी शुरू होती है 2013 से और उस समय केदारनाथ में एक ऐसा प्रलय आया था, इतनी बाढ़ आई थी, बारिश इतनी तेज हुई थी कि लोग रातों रात बर्बाद हो गए थे, कई जगह पर प्रलय सी आ गई थी और मंदिर बह गया था, पानी पानी था चारों तरफ। और उस कहानी में एक प्रेम कहानी जन्म लेती है जो कि सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत की है। तो कहानी शुरू होती है इस फिल्म की दो बहनों से जो कि पंडित परिवार में पली बड़ी हैं और एक बड़ी बहन का जो मंगेतर होता है होने वाला वो आखिर में उसको मना कर देता है और उसकी छोटी बहन सारा अली खान से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। और दूसरी तरफ सुशांत जो कि एक मुस्लिम परिवार में पले बड़े हैं जिनके पिता गुजर चुके हैं और वो एक पिट्ठू के रूप में काम करते हैं, यानी कि केदारनाथ में जो अपने घोड़े पर बिठा कर या अपने एक कुर्सी जो कि अपने पीछे पीठ से लगा लेते हैं उसके ऊपर आने वाले टूरिस्टों को केदारनाथ का मंदिर दिखाने के लिए चढ़ाई पर चढ़कर हजारों सीढ़ियों को पार कर कर उस मंजिल तक पहुंचाते हैं और भगवान के दर्शन कराते हैं। ये उन मुस्लिम परिवार में पले सुशांत सिंह का काम है। हर साल हम उतने ही यात्री को बुलाएं जितने का इंतजाम कर सकते हैं, ना वादी पे बोझ जाएगा ना लोगों पे। तुम कहां से आ गए हमारे बीच? हम तो हमेशा से यहाँ हैं, पुश्तें हमारी सेवा करती रही, श्रद्धा में हम उनके शामिल हुए, कंधों पे बिठा के तीर्थ कराया है। और सारा अली खान इस बात को समझती है कि वो शादी नहीं कर सकती, लिहाजा वो आकर्षित हो जाती है सुशांत राजपूत की तरफ और धीरे धीरे इश्क मोहब्बत बढ़ने लगता है। लेकिन प्यार बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा ये इस फिल्म को देखने के बाद आपको पता चलेगा, क्योंकि आगे की कहानी मैं चाहता हूँ कि आप बड़े पर्दे पर देखें। जानते हो ना हमें? सुशांत ने इस फिल्म में जो भी काम किया है वो ठीक ठाक है, लेकिन वो अपने रोल में पूरे नहीं उतरे हैं। वैसे उनके पास करने के लिए ऐसा कुछ था भी नहीं और सारा अली खान ने अपना रोल सही तरीके से अदा किया है, करने के लिए उनके पास भी कुछ ऐसा था नहीं, क्योंकि फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत कमजोर होने की वजह से दोनों में कमियां नजर आती हैं। क्या नाम है? मसूर। इनका फिल्म में एक दो गाने अच्छे हैं लेकिन इतने नहीं है कि वो सुपरहिट हो जाएं। म्यूजिक ठीक ठाक है और डायरेक्शन इसका काफ़ी कमज़ोर है और स्क्रीन प्ले काफ़ी पुअर है। इसकी वजह से फिल्म वो बिजनेस नहीं कर पाएगी जो प्रोड्यूसरों को इस फिल्म से उम्मीद है। फिल्म का स्क्रीन प्ले काफ़ी कमज़ोर है, डायरेक्शन पुअर है, कलाकारों का अभिनय बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए ये फिल्म इतना बिजनेस नहीं कर पाएगी। और देखने लायक इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए मैं आपको कहूँ कि आप इस फिल्म को देखने जाइए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बारिश का वो वक्त देखें जब केदारनाथ में
काफी प्रलय आ गई थी, वो 15 और 20 मिनट के सीन काफी अच्छे हैं, उसके लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। और सारा खान जो भी है अच्छी है, उसने अपना अभिनय ठीक ठाक किया है, उसको अगर आप देखना पसंद करते हैं तो उसके लिए भी आप जाकर इस फिल्म को देख सकते हैं। कोई कबूल नहीं करेगा सृष्टि को। तुम करोगे? नहीं होगा ये संगम, फिर चाहे प्रलय ही क्यों ना आए। तो जाप करूंगी दिन रात की आए। दोस्तों अब बात निकली है स्टार की, तो केदारनाथ फिल्म को मैं 5 में से 2 स्टार देना पसंद करूंगा। और अब मैं आपको एक इल्तिजा करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आता है तो अपने दोस्तों चाहने वालों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब का बटन तो बिल्कुल आपके सामने है, दबाइए इसको, सब्सक्राइब कीजिए और आइए मेरे दिल के और नज़दीक आइए। अब मेरी आपसे मुलाकात होगी अगली फिल्म के रिव्यू पर। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, गुड नाइट, थैंक यू, शुक्रिया, बाय। कोई कबूल नहीं करेगा सृष्टि को। तुम करोगे? नहीं होगा ये संगम, फिर चाहे प्रलय ही क्यों ना आए। तो जाप करूंगी दिन रात की आए।